भाजपा नगर सेवक विक्की कुकरेजा के कार्यालय में रविवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। इसके साथ ही महिला से भी धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया था। आज उसी संदर्भ में भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दट्ट के पूर्व विधायक मिलिंद मां ने पार्षद विक्की कुकरेजा की उपस्थिति में पत्र परिषद का आयोजन कर मामले का निषेध करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभाग क्रमांक एक के पार्षद विक्की कुकरेजा इनके जनसंपर्क कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता बाबू खान ने तोड़फोड़ कर महिला कार्यकर्ता के साथ भी असभ्य बर्ताव किया। ऐसा आयोजित पत्र परिषद के दौरान विक्की कुकरेजा द्वारा कहा गया। बाइट इस दौरान प्रवीण दटके ने कहा कि इस घटना के बाद जब हम इस संबंध में शिकायत दर्ज करने पुलिस थाने गए तो पुलिस द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए आज पत्र परिषद के दौरान घटना का निषेध करते हुए पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ कार्रवाई नहीं होने पर लोकशाही पद्धति से आंदोलन का इशारा भी दिया है। उनके साथ में बातचीत करके उनको रवाना किया और किसी खासगी कार्यालय के अंदर में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए करके पुलिस स्टेशन में जाकर तकरार दी। जो वहां के लोकल पुलिस इंस्पेक्टर है उन्होंने पूरी बातचीत सुनी और उन्होंने जवाबदारी ली कि आप चिंता मत करिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता में वाकई में नहीं आना चाहिए, मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा। फिर हमने शाम को पीआई को फोन लगाया, उन्होंने बताया कि हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने जवाबदारी ली है कि इसके बाद आपके कार्यालय पुलिस स्टेशनला गेलो होतो आणि तिथली जी काही वर्तणूक होती, माझं म्हणणं आहे पोलीस हे कायद्याचं रक्षण करण्याकरता आहेत आणि आमचा पोलीस विभागावर विश्वास आहे। आम्ही नेहमी त्यांच्याकडे जाऊन योग्य पद्धतीने ज्या काही गोष्टी घडल्या पाहिजे त्याकरता आम्ही वारंवार त्यांच्याशी संपर्क करत असतो आणि आमचा कालपर्यंत त्यांच्यावर विश्वास होता। पण एकीकडे मोकाचे आरोपी बाहेर, मी अनेक वृत्तपत्रांच्या बातम्या वाचल्या आणि मीडियावर बघितल्या की मकोकाचे आरोपी कोणासोबत बाहेर आहे, कोणाच्या बंगल्यावर आहेत, म्हणजे अनेक वृत्तपत्रातून या बातम्या आल्या। ते बाहेर आमच्याच कार्यालयात यायचं, खाजगी आमचंच तोडायचं, आम्हाला शिव्या द्यायच्या, आमच्या महिलेला त्रास द्यायचा, आमच्या नेत्याची कॉलर फाडायची आणि आरोपी आमच्यावरच। अशी जर परिस्थिती नागपूर शहरात असेल तर उद्या आम्ही सकाळी 11 वाजता जरीपटका पोलीस स्टेशन समोर आमचा नारे निदर्शनाचा कार्यक्रम आहे। इसके साथ परिसर के पूर्व विधायक मिलिंद माने द्वारा भी इस घटना का निषेध करते हुए कहा कि ये सारी घटना परिसर का विकास नहीं करने से हुई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जिस समता नगर सुगत नगर परिसर के विकास कार्य की बात कर रहे थे उस परिसर का जिम्मा NIT के अधिकार में आता है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और हाथापाई पर उतर आए। यही नहीं, महिला कार्यकर्ता से भी असभ्य बर्ताव किया गया जो कि निषेधार्थ है। पुलिस ने जांच कर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए। 8-10 महिला आणि काही तरुण मुलं संपर्क कार्यालयात येऊन त्यांनी आधी दुर्गुज घातला, आमच्या वस्तीतील कामे झाली नाही असं त्यांनी करत माननीय नगरसेवक यांना शिव्या देत, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना शिव्या देत कार्यालयामध्ये असलेल्या सामानांची फिरफाट केली। शहर में NMC चुनाव का माहौल अब गर्माता नजर आ रहा है। चुनाव से पहले कुकरेजा मारपीट मामले में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे और भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दट्ट के आमने सामने आए हैं। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज नागपुर।